आज हम स्टडी टेबल के स्टैंडर्ड मेजरमेंट जान लेते हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन के लिए आप स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कम से कम आपको 3 फीट लेना चाहिए। अगर आप 2 बच्चों के हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टडी टेबल के डिप हमें हमेशा कम से कम 20 इंच लेनी चाहिए। अगर आप उसे कस्टमाइज करके डिप में ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो यूज़ में नहीं आती है। उसके बाद इसकी जो हाइट होती है वो कम से कम 28 इंच लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 32 इंच के आसपास ले सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर आप कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ करोगे तो हमारे टेबल और कैबिनेट के बीच में जो हाइट रहेगी वो 2.5 फीट की छोड़ देनी चाहिए आपको। और एक साइड में आप जस्ट ओपन बॉक्सेस ले सकते हैं जहाँ पे बार बार यूज़ होने वाली बार बार एक्सेस होने वाली चीज़ों के लिए आप इस तरह के ओपन बॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो कि डीप में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 इंच ले सकते हो। इस तरह का होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट।